दिल्ली सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लाख दावे करती हो और प्रचार के लिए करोड़ों रुपये भी खर्च करती हो, लेकिन इन दावों की जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। जी हां, दिल्ली सरकार ने एक के बाद एक आम आदमी पॉली क्लिनिक तो खोल कर रख दिए और इनमें भरपूर स्टाफ भी दे दिया, मगर जनता के खून पसीने की कमाई के टैक्स से तनख्वाह पाने वाले ये स्वास्थ्य के रक्षक किस तरह से मरीजों की जान से खिलवाड़ करके न केवल अपने पवित्र पेशे को बल्कि विभाग को भी धोखा देने में जुटे हुए हैं। इसका जीता जागता उदाहरण दिल्ली सरकार के नरेला में स्थित आम आदमी पॉली क्लिनिक में देखा जा सकता है। स्थानीय मरीजों की शिकायत सुनकर जब हमारी टीम वहां पहुंची तो नजारा बिल्कुल वैसा ही मिला जैसे हमें अपेक्षा थी। मरीजों की भीड़ लगी हुई थी, डॉक्टर साहब भी वहां से गायब थे। एक फार्मासिस्ट डॉक्टर के चैम्बर में बैठकर मरीजों को बिना कोई जांच किए अंधाधुंध दवाइयां लिखने में व्यस्त थे। मरीजों की जान से खुलेआम हो रहे ये खिलवाड़ मीडिया के कैमरे में कैद हो गया। जब वहां के कर्मचारियों को होश आया तो आनन फानन में मरीजों को वहां से हटाकर डॉक्टर साहब को फोन करके सूचित किया गया। लगभग एक घंटे बाद डॉक्टर साहब हड़बड़ाते हुए पॉली क्लिनिक पहुंचे। हद तो जब हो गई जब डॉक्टर साहब ऑन कैमरा यह कहने लगे कि वो कहीं गए हुए थे और उनकी गैर हाजिरी में ये मरीजों को चेक कर लेते हैं। तो क्या फार्मासिस्ट जो रिपीट मेडिसिन होती है वो देख सकते हैं, और ये होता है कि जब भी हम छुट्टी लेते हैं ना तो इंटीमेट करते हैं अपने सीडी ऑफिस में या ब्लड ऑफिस में कि भाई हम रिप्लेसमेंट ही भेजेंगे। अगर उनकी तरफ से कुछ नहीं होता कि कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिलता, सारे डॉक्टर्स को बिजी हैं, तो तब नहीं भेजते। पर अगर वैसे अगर है तो अगर यहाँ पर खाली नहीं रहते। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र और सलम क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर कभी कोई डॉक्टर नहीं आता, कभी कोई स्टाफ नहीं आता। अब तो यहाँ देखने में आता है फार्मासिस्ट ही डॉक्टर की जगह देखते हैं और वही दवाइयाँ लिखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण कहीं ऐसा तो नहीं है, ग्रामीणों की जान की कोई कीमत नहीं हो सरकार की नज़रों में। इस प्रकार सरकार कभी यहाँ कोई ना तो निरीक्षण कराती, ना कोई अधिकारी यहाँ आता। ये बड़ी गंभीर समस्या है। मैं सरकार से मांग करता हूँ यहाँ हफ्ते में एक बार कम से कम जांच की जाए और दोषी अधिकारी कर्मचारियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए।